एवरीवन, माय सेल्फ रिया मंडला और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ग्रीक वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है क्या? ट्राई मतलब थ्री, बॉन मतलब साइड्स एंड मैट्री मतलब मेजर, जिसमें हम तीन साइड्स की स्टडी करेंगे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स। ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग बेसिकली क्या स्टडी करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन कौन से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले आता है साइन, नेक्स्ट है कोसाइन, देन टेंजेंट, नेक्स्ट सेकेंड और कोटेंजेंट। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। साइन को हम शॉर्ट में एस आई एन करके लिखते हैं, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन करके, कोसेकेंड को कोसेक, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को और। ये हमने जो इनकी एब्रिविएशन है इस तरीके से ऐसे शॉर्ट में इनको लिखना है। ठीक है, आगे हमने स्टडी करना। अब इनकी ये जो है इनका क्या है, ये भी सेम है द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड। इसको निकालना कैसा है, सबसे पहले मैंने आपको वो बताना है कि इनके फॉर्मूले या इनको निकाला कैसे जाता है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये सारे आपके किसमें होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। इनकी तीन साइड की ज्योमेट्री होती है ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन ये किसमें किया जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हम यहाँ पे पहले लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, जो राइट एंगल है इसके बी पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बी पे है और ये आ गया ट्राइंगल आपका ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल है जो राइट एंगल है बी। ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये जो दो एंगल्स होते हैं ये मेरे दोनों एंगल्स क्या होंगे? कोई भी एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि आपको पता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री। अगर ये ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री है तो जो बाकी के दो एंगल होंगे वो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, यानी कि वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये दोनों एंगल्स क्या है मेरे? तो अकॉर्डिंग टू द एंगल्स सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो दोनों एंगल्स के ए के लिए भी और सी के लिए भी कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एंगल सी के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन एंगल सी, उसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, हम बेस कौन सा लेते हैं, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए। अब ये जो तीनों मेजर्स हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल वी आर टेकिंग। हमने यहाँ पे एंगल सी लिया है तो एंगल सी के अकॉर्डिंगली हमारे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस मिलेंगे। अब वो निकालते कैसे हैं? अगर यहाँ पे एंगल सी हमने लिया है तो जो एंगल सी के एडजेसेंट साइड होती है, सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनस होती है, यानी कि जो हमारी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट साइड है ए सी वो हमारी क्या है? हाइपोटेनस। ठीक है, नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर और बेस। हमने एंगल सी लिया है तो जो एंगल सी की एडजेसेंट वाली साइड होती है, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? एकदम उसके साथ लगी हुई साइड होती है, वो कौन सी है? ये। तो जो भी एंगल हम लेते हैं, यहाँ पे मैं एंगल सी के निकाल रही हूँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जो एंगल लेते हैं उसकी एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है। तो ये इसकी एडजेसेंट साइड है तो ये हमारी क्या है? बेस, यानी कि बी। और जो उसके अपोजिट वाली साइड होती है, एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है हमारी? ए बी, वो हमेशा हमारी क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये तीनों साइड आपको पता चल गए। तो साइन सी, साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, कौन सी साइड है? ए बी, और हाइपोटेनस कौन सी है? ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन निकालते हैं। अब इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो कॉस सी हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको याद रखने होंगे कि क्या होते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारी कौन सी साइड है?
BC और हाइपोटेनस कौन सी है AC। इस तरीके से बाकी tan C निकालना है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के लिए क्या करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर साइड है AB और बेस है BC। ये हमारे तीनों लिए लिए साइन कॉस एंड टैन। इसके अलावा जो हमारे बाकी तीन है कोसेक सेकेंड कोटेंजेंट यानी कि कॉट वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन सी का रेसिप्रोकल होगा कोसेक सी, कॉस सी का रेसिप्रोकल होगा सेक सी एंड टेंजेंट यानी कि टैन सी का रेसिप्रोकल होगा कॉट सी। तो अगर हम इसी तरीके से देखें तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया कोसेक सी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी। तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन टी। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। इसी की तरह सेक सी वो हो जाएगा एच अपॉन बी यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो वो आपका हो जाएगा क्या ए सी अपॉन डी सी। और थर्ड आपका होता है कॉस सी जो कि रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। ये आपका आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, कॉस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस बी सी अपॉन ए सी, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल ये तीनों कोसेक सेक और ये सारे मैंने आपको क्या किस तरीके से बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल सी। और अगर इसी ट्रायंगल में मुझे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ए लेने हो तो कैसे होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब क्योंकि मैंने एंगल चेंज कर दिया है एंगल ए ले लिया है तो अब मेरी जो साइड्स होंगी परपेंडिकुलर और बेस ऑब्वियसली वो भी चेंज हो जाएंगी। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो मेरी एसी रहेगी क्योंकि ये इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड है। तो ये क्या होगा मेरा हाइपोटेनस। चेंजेस किसमें आते हैं सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में। अब क्योंकि मैंने एंगल ए यहाँ पे लिया है तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी ए बी। तो मेरा बेस क्या बन गया ए बी। और एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है बी सी। तो ये क्या बन गया मेरी परपेंडिकुलर वाली साइड। ये दो चेंजेस हुए पिछले वाले जो हमारी सी के सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंज हुए। अब मैंने पहले भी बताया था साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मेरा परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब मेरी बेस क्या चेंज होती बन गई है ए बी अपॉन ए सी। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मेरी परपेंडिकुलर साइड हो गई है बी सी और बेस हो गया है ए बी। ये तीनों साइड मेरी आ गई। सिमिलरली ये क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट थ्री। तो कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दिया जाएगा आपका ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट सेक होता है कॉस का उल्टा तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये आपका हो जाएगा क्या ए सी अपॉन ए बी। और कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टैन ये आपका चेंज होके क्या बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन ए सी। इस तरीके से हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल। जो एंगल होगा जो एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपने उससे हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर को पहले सेट करना है उसके बाद फॉर्मूला पुट अप करके उसका आंसर निकालना है। तो
आपके एक आई होप आपको यहाँ पे सारे समझ में आ गया और कि बच्चे कैसे हैं। तो नेक्स्ट में आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस, इसको लाइक शेयर जरूर करें और आगे के भी वीडियो देखें। मैं इसके नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।